लिए हम लोगों को डिविजिबिलिटी टेस्ट समझना जरूरी है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 ही है, 2, 3, 4 सारे के सारे नंबर जो हैं किस किस से डिवाइड हो सकते हैं, यानी कि किस तरीके से कौन सा नंबर किससे डिवाइड हो सकता है या नहीं, इसका ही हमें टेस्ट बताना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हम लोगों को डिविजिबिलिटी टेस्ट किसका किसका सीखना है, इसके लिए हम लोगों को सीखना है 4 का और 8 का। तो इससे पहले के वीडियो में हम लोग 2, 3, 5 और 10 के डिविजिबिलिटी टेस्ट देख चुके हैं, अब आगे के हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं कि 3 का कैसे होता है। अब 3 के बाद हम लोगों को 6 का सिखाया गया है, फिर 4 का, फिर 8 का। तो हम लोग पहले 6 का देख लेते हैं, फिर हम 6 के जो डिविजिबिलिटी टेस्ट का क्वेश्चन है वो वाला अटेम्प्ट कर देंगे। तो क्वेश्चन डिविजिबिलिटी 6, कोई नंबर 6 से डिवाइड हो सकता है। तो देखिए, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, देन इट इज डिविजिबल बाय 6 आल्सो। अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 3 से भी डिवाइड हो सकता है, तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड होना है ना, तो उसको 2 से भी डिवाइड होना पड़ेगा और 3 से भी, और जो नंबर दोनों 3 से भी हो जाएगा डिवाइड और 2 से भी हो जाएगा, तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि जो नंबर 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, किसी नंबर के अगर लास्ट में ये 5 नंबर आते हैं, जैसे कि 18 के लास्ट में 8 आ रहा है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 24 लास्ट में 4 आ रहा है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 16 लास्ट में 6, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 10 लास्ट में 0, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 22 लास्ट में 2, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट होती है। 3 का क्या होता है, 3 का जो भी हमें नंबर गिवन है सारे डिजिट को ऐड कर लेंगे, जैसे कि 2, 24, तो 24 3 से डिवाइड होना है या नहीं होना है, इसको हम देखने के लिए 2 प्लस 4 करेंगे, आंसर आया 6। अब अगर 6 3 की टेबल में आता है तो सही है, तो 24 3 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो 6 आता है 3 की टेबल में, तो 24 डिवाइड हो जाएगा। अब 6 के लिए हमें 2 और 3 दोनों की डिविजिबिलिटी देखनी पड़ेगी। तो पहला ही क्वेश्चन जो है, इसमें 6 की डिविजिबिलिटी देखने के लिए हम लोगों को क्या क्या देखना पड़ेगा। पहले देखना पड़ेगा कि क्या 128 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यस हो रहा है। कैसे, क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी के लिए 0, 2, 4, 6, 8 लास्ट में आना चाहिए, तो 8 आ रहा है, ठीक हो गया। अब क्या ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसके लिए हमें इसको ऐड करना पड़ेगा, 1 + 2 + 8। तो 1 + 2 + 8 हम लोगों ने करा, तो क्या हुआ, 8 + 2 10 और 10 + 1 11। 11 क्या 3 की टेबल में आता है, नहीं आता, तो इसका मतलब 128 6 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भले ही 2 से डिवाइड हो रहा हो, बट ये 3 से नहीं हो रहा, इसलिए 3 से इसलिए ये 6 से डिवाइड भी नहीं होगा। वैसे इस तरीके से चेक करने से तो अच्छा है ना, क्या मेथड लगाओ 6 के लिए, 128 को डायरेक्ट 6 से डिवाइड कर लो, तो 6 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट अच्छा नहीं है जो हम लोग को गिवन है ना। तो 6 के लिए तो आप डायरेक्ट ही डिवाइड करके देख लेते हैं, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है, बट स्टिल क्या कर सकते हैं, हम लोग को इस पर डिविजिबिलिटी सीखनी है, तो ऐसे ही करके देखेंगे, है ना। नेक्स्ट है 990, क्या 990 हमारा 6 से डिवाइड होगा, तो 9 + 9 पहले 3 के लिए टेस्ट कर लेते हैं, 9 + 9 + 0 यानी कि 18, तो 3 की टेबल में 18 आता है, तो 3 से तो ये डिवाइड हो रहा है, और 990 क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है, तो 2 से भी ये डिवाइड हो रहा है, तो 990 का आंसर यस है। अब हम लोग 1586 देखते हैं, तो लास्ट में 6 आ रहा है, तो मतलब 2 से तो ये हो जाएगा। अब 3 देख लेते हैं, तो आप पता ये वाला क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है कि 2 और 3 के केसेस चेक कर लेने हैं। तो 2 और 3 के केसेस हम लोगों ने पिछले वीडियो में चेक कर लिए थे, है ना। तो आप अपनी इस टेबल में सारे के सारे पूरा बना लेंगे कि 2 से कौन कौन सा हो रहा है, 3 से कौन कौन सा हो रहा है। तो 2 से ये वाला हो रहा था, ये भी था, ये भी था, टिक लगाते जाइए, ये नहीं है, सॉरी ये वाला गलत है, ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी, ये भी, ये भी, और ये नहीं होगा, तो ये सारे के सारे 2 से हो जाएंगे। अब 3 का बना लीजिए, तो 3 में 990 यस है, ठीक है। 1586 भी हमारा 3 से डिवाइड नहीं हो रहा था, ये सब हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। और फिर उसके बाद हमारा 275 भी नो, क्योंकि नहीं हो रहा है। फिर ये वाला यस था, और ये वाला क्या था, ये वाला यस था, ये वाला भी यस था, ये भी यस था, ये भी यस था, और लास्ट वाला नो था। अब 6 के लिए आप सिंपल सा करिए, 2 और 3 अगर दोनों में यस है ना, तो 6 में भी यस, 2 और 3 ये वाला नहीं होगा, क्योंकि 3 में नो है, ये वाला भी नो। अब ये देखिए, ये वाला 2 में
सॉरी वाला टू में भी ऐसा है, थ्री में भी ऐसा है, तो ये यस yes. ये वाला भी टू में भी ऐसा है, थ्री में भी ऐसा है, तो यस yes. ये भी यस yes. यस yes. है ना, और यस yes. एक सेकेंड, ये वाला सिक्स सिक्स एट सिक्स, ये वाला थ्री के लिए नो था, तो ये वाला भी सिक्स के लिए नो हो जाएगा, ये वाला यस हो जाएगा, और लास्ट वाला हमारा नो हो जाएगा। तो सिंपल सा है, जो जो थ्री से भी डिवाइड हो जा रहे हैं और टू से भी डिवाइड हो जा रहे हैं, जो टू और थ्री दोनों से डिवाइड हो जा रहे हैं वो वाले तो सिक्स से हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। और टू और थ्री के हम लोगों ने डिविजिबिलिटी टेस्ट देख ली है, तो सिक्स से कौन कौन सा डिवाइड हो जाएगा, तो ये वाला तो देखिए नहीं होगा, ये वाला जो है ये वाला हो जाएगा। और अभी देखते हैं आगे, तो जो जो नंबर सिक्स से और सिक्स से डिवाइड हो रहे हैं वो टू और थ्री से होने चाहिए। तो ये वाला देखिए कौन कौन से हो रहे हैं, ये वाला हो रहा है एक सिक्स से, और फिर उसके बाद हम लोगों का ये वाला भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ठीक है, और ये भी हो रहा है, और ये भी हो रहा है। तो ये पांच नंबर हैं जो सिक्स से भी डिवाइड हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस वाले का एग्जाम्पल देख लेते हैं, सबसे बड़ा है, लास्ट में जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये टू से तो हो जाएगा, क्योंकि टू से कौन कौन से हो जाते हैं, जिनमें जीरो टू फोर सिक्स और एट आता है, वो सारे के सारे नंबर मतलब लास्ट में ये आता है, इन चारों में, इन पांचों में से कोई भी, तो वो टू से डिवाइड हो जाते हैं। थ्री के लिए सारे के सारे नंबर्स को हमें ऐड करना पड़ता है, और वो ऐड करने के बाद अगर थ्री के टेबल में आते हैं तो ठीक है, तो हो जाएंगे। तो सिक्स प्लस थ्री नाइन, नाइन प्लस नाइन एटीन, एटीन प्लस टू ट्वेंटी, और प्लस ट्वेंटी वन, तो ट्वेंटी वन क्या थ्री के टेबल में आता है, आता है। तो ये वाला जो नंबर है ये टू से भी डिवाइड हो रहा है, थ्री से भी डिवाइड हो रहा है, इसीलिए ये सिक्स से भी डिवाइड हो जाएगा। तो सिक्स के लिए हमारा एक ये वाला बनता है, और फिर उसके बाद हमारे ये 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 और ये, और ये वाले नहीं है बाकी बचे हुए, ठीक है। तो राइट वाला एक दो तीन चार पाँच, पाँच नंबर हैं जो सिक्स से डिवाइड हो जाएंगे। सिक्स की डिविजिबिलिटी के लिए आपको टू से डिवाइड करना पड़ेगा और थ्री से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये इतने सारे क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री जो है ना हमारा, इसमें कितने क्वेश्चन है, जे तक है, तो इन सबको हम लोगों को चेक करना है क्या ये सिक्स से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो इसके लिए कौन कौन सा नंबर सिक्स से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हर एक नंबर को पहले हम टू से डिवाइड करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या वो थ्री से भी डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो टू से देखना तो बहुत ही आसान है, क्यों, क्योंकि टू से देखना आसान क्यों है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट देख लेंगे कि लास्ट में नंबर के जीरो टू, ठीक है, फोर सिक्स या एट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा नंबर टू से डिवाइड हो रहा है। तो देखिए ये वाला भी टू से हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये वाला टू से नहीं होगा तो ये थ्री से भी नहीं होगा। तो सी वाला तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि टू से नहीं होगा तो ये सिक्स से भी नहीं होगा, ये वाला डायरेक्ट कट गया। क्या ये टू से होगा, नहीं होगा, तो ये वाला भी कट गया। ये होगा टू से, तो हाँ ये वाला हो जाएगा। अभी हम देखेंगे कि सिक्स से, पहले हम चेक करें टू से कौन कौन से होंगे, जो टू से होंगे फिर उसके बाद उसको हम थ्री के लिए चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि जो नंबर जो दोनों टू से भी हो और थ्री से भी हो तो ही वो सिक्स से डिवाइड होगा, वरना सिक्स से वो नहीं होगा। तो सबसे पहले इजी काम करते हैं, टू से देख लेते हैं क्या ये हो रहा है। यस ये हो रहा है, क्योंकि लास्ट में फोर है, लास्ट में एट है, टू से होगा, लास्ट में फाइव है, टू से नहीं होगा तो सिक्स से भी नहीं होगा, लास्ट में थ्री है, टू से नहीं होगा तो सिक्स से भी नहीं होगा, अब लास्ट में टू है तो मतलब टू से तो हो सकता है, ये भी जीरो है तो टू से हो सकता है, ये लास्ट में फोर है तो टू से हो सकता है, लास्ट में थ्री है तो टू से नहीं, ये वाला भी टू से हो सकता है और ये भी टू से हो सकता है। तो ये तीन तो हम लोगों ने टू वाले में ही काट दिए, कि ये तीनों तो अब हम चेक ही नहीं करेंगे थ्री के लिए। क्यों? क्योंकि ये टू से भी नहीं हो रहे, तो थ्री से हो भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिक्स से टोटली नहीं होंगे, क्योंकि सिक्स से जो नंबर डिवाइड होगा वो टू और थ्री दोनों से होना चाहिए। अब हम एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये सेवन जो है ना, अब इनको हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये थ्री से भी डिवाइड हो रहे हैं। अगर हो रहे होंगे तो वेल एंड गुड, और जो नहीं हो रहे होंगे तो फिर सिक्स से नहीं होंगे। तो पहला वाला हमारा पहला क्वेश्चन है 297144। अब 297144 जो है इसको हम चेक करेंगे कि क्या ये थ्री से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है 297144, क्योंकि लास्ट में फोर आ रहा है तो टू से तो डिवाइड ये हो जाएगा। अब हम चेक करना है क्या थ्री से होगा, तो थ्री के लिए हम सारे के सारे नंबर्स को क्या करेंगे, प्लस। तो टू प्लस नाइन प्लस सेवन प्लस वन,
प्लस फोर प्लस फोर। अब इन सबको ऐड जब हम करेंगे तो इनको ऐड करने के बाद ना हमारा आंसर 27 आएगा। देख लीजिए, 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 7 18, 18 प्लस 1 19, 19 प्लस 4 23 और 23 प्लस 4 होता है 27। ये सारा आपका खुद ऐड करना है आपको, ठीक है। तो आंसर 27 आ गया। कि 27 3 की टेबल में आता है, तो यस आता है। तो 2 से भी डिवाइड हो गया ये वाला हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन था, और 3 से भी हो गया, तो यानी कि ये 6 से भी हो जाएगा। तो आंसर हो गया कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट वाला है ना, ये वाला हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है। तो ये हो रहा है हमारा 3 से डिवाइड। अब हम चेक करते हैं 1, 2, 5, 8 को, फिर उसके बाद हम लोग इसको चेक करेंगे, सबको चेक करेंगे, इसको इसको और इसको नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 2 से तो हुए ही नहीं डिवाइड, अब 3 से हो जाए या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर तो ये 6 से डिवाइड नहीं होंगे। अब हम 1, 2, 5, 8 को चेक करते हैं। तो थर्ड का बी पार्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी पार्ट हमारा क्या है? थर्ड का बी पार्ट है हमारा 1, 2, 5, 8, क्योंकि लास्ट में 8 आ रहा है, तो 2 से तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब 3 के लिए हम सारे के सारे नंबर्स को ऐड करेंगे। ऐड कर दिया तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 5 क्या होता है? 3 प्लस 5 हमारा 8 होता है, और 8 प्लस 8 होता है हमारा 16। अब क्या 16 3 की टेबल में आता है? तो 3 की टेबल में तो 16 नहीं आता, इसलिए ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी पार्ट है वो 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 6 से डिवाइड ये हमारा नहीं हो रहा। अब नहीं हो रहा है तो यानी कि नहीं हो रहा बस, ठीक है। तो हमारा ये वाला नंबर जो था, ये वाला तो 6 से डिवाइड हो गया था, ये वाला नहीं हुआ, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं। अब हम इसको चेक करते हैं, 901352। अब 901352 को चेक किया जाए, तो चेक कर लेते हैं 901, और फिर हमारा इसके इससे पहले वाले तो हो नहीं रहे थे चेक, अब ये वाला देखते हैं ये होगा या नहीं होगा। 901352, 2 से तो हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 है, तो 2 से हो गया। अब 3 से चेक करना है, 9 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 और प्लस 2, यहाँ पर प्लस लगा देते हैं, प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर ये 9 हो गया, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 5 18 और 18 प्लस 2 20। तो 20 क्या 3 की 20 क्या 3 की टेबल में आता है? तो नहीं आता। अब 23 की टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये वाला जो हमारा था ई पार्ट 90135, ये ई पार्ट था ना, ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो ई वाला भी नहीं हुआ हमारा 6 से डिवाइड, तो हमारा ये वाला तो हो गया था, ए वाला हमारा डिवाइड हो गया था। इसके अलावा अब हमारा ये वाला भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। अब देखते हैं हम लोग पार्ट नंबर एफ। अब एफ वाला क्या डिवाइड हो जाएगा? चेक कर लेते हैं, 2 से तो ये हो रहा है। अब क्वेश्चन है हमारा 468750, 438750, 2 से तो हो रहा है क्योंकि लास्ट में 0, 2 से हो रहा है। अब देखते हैं ये पार्ट है हमारा एफ, 4 + 3 + 8 + 7 प्लस 5 प्लस 0। तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे ना, तो ऐड करके हमारा 27 आएगा। ये देखिए आप ऐड कर लीजिए, ये 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 8 क्या हो जाएगा 15, और 15 प्लस 7 जो है वो हमारा हो जाएगा 22, 22 प्लस 5 27। तो 27 3 के लेवल में आता है, आता है। तो ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी हो रहा है, और जो 3 से भी हो जाएगा 2 से भी हो जाएगा वो 6 से भी हो जाएगा। तो 6 वाला जो पार्ट है वो हमारा, सॉरी एफ वाला जो पार्ट है वो हमारा 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो एफ वाला पार्ट और ए वाला पार्ट, तो हमारा आंसर निकल गया कि ये हमारा 6 से डिविजिबल है। अब हमारा क्वेश्चन आता है 1790184 जो है ये वाला मैं आपको करके दिखाऊंगी, और बाकी देखिए एच वाला तो हो ही नहीं रहा है, ये वाला आई और जे आप लोग होमवर्क में करेंगे। सिंपल है, देखिए एक ही तरीका है, 2 का तो 0, 2, 4, 6, 8 लास्ट में है तो 2 से हो रहा है। 3 के लिए आपको क्या करना है, सारे के सारे नंबर्स को ऐड करके देखना है। अब हम ये वाला पार्ट देख लेते हैं, 1790184 सारे बड़े बड़े हो गए, बाकी सब सिर्फ ऐड ही तो करना है, और तो कुछ करना ही नहीं ना। ऐड करके अगर 3 के टेबल में आ रहा है तो ठीक है, वरना नहीं है। 179
0184। ऐड कर लो भाई, 1 + 7 + 9 + 0 + 1 + 8 + 4। इन सबको आप जब ऐड करेंगे ना तो आपका आंसर 30 आएगा। अब 30 तो आता है 3 की टेबल में, 2 की टेबल में भी आ रहा है, 3 की टेबल में भी आ रहा है, अब दोनों की टेबल में आ रहा है तो फिर 6 से भी डिवाइड ये हो जाएगा। तो देखिए जी वाला भी 6 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब जो हमारा एच वाला है ना, एच वाला जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, मैं आंसर आपको बता दे रही हूँ। ये वाला जो है हमारा एच, ये भी नहीं होगा 3 से डिवाइड, तो हम लोगों ने देख ही लिया। अब आई वाला जो है ये वाला हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, और जे वाला जो है जे वाला भी, जे वाला नहीं होगा हमारा 6 से, ये भी हो जाएगा, ये 6 से हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा 6 से। तो ये दोनों मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, ठीक है, ये दोनों करेंगे खुद से। तो हम लोगों